अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट अ रीसेंट केस स्टडी ऑफ माय क्लाइंट। मेरे क्लाइंट ने पिछले 1.5 साल के अंदर एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया जिसके ऊपर वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अप्लाई करता था, और उसने वो ई कॉमर्स स्टोर 1 करोड़ की इवेल्यूएशन पे बेचा है। 1 करोड़ का अपनी वेबसाइट को सेल आउट किया है आगे आफ्टर 1.5 ईयर। अब थ्रू आउट द ईयर उसने ये करा कैसे, किस तरीके से उसने इसको 1 करोड़ की मालियत तक पहुंचाया, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आई वाज वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स व्हेन दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो इनिशियल फेज से मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा, उसमें चीज़ें सीखी भी कि किस किस्म के मसले आते हैं और गोरा उन मसलों को किस तरीके से टैकल करता है, क्या उसकी एक अप्रोच होती है जो शायद हमारी नहीं होती, तो इससे और हम क्या सीख सकते हैं, या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो कि ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना चाह रहा है वो क्या सीख सकता है, तो आइए इस पर बात करते हैं। तो मेरे क्लाइंट ने तकरीबन 1.5 साल पहले अपना ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करवा लिया था। उसके पास ये प्लान 2 से 2.5 साल से मौजूद था। उसने एक स्पेस देख ली थी, वो जिस कंट्री में रहता है वहाँ पर उसने स्पेस देखी कि ई कॉमर्स मार्केट बहुत बूम कर रही है, और वहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा बड़े उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। उसने स्पेस देख ली कि अच्छा, एक ऐसे ई कॉमर्स स्टोर की ज़रूरत है जिसके ऊपर तमाम ज़रूरत की चीज़ें हों, वेदर आपको बच्चों के एसेसरीज चाहिए, उनके टॉयस चाहिए, उससे रिलेटेड फैशन वेयर हो, हाउसहोल्ड की चीज़ें हों, किचन की चीज़ें हों, एक्स वाई जी, सबका ऑल इन वन पैकेज होना चाहिए। ये उसने देख ली कि अच्छा, इस चीज़ की नीड है और एक अच्छे वेंडर की भी नीड है। तो अब उसने वेंडर हंट करना शुरू किया कि ऐसे कौन से वेंडर्स हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर मुझे वाइट लेबलिंग में मदद करेंगे। उसने वेंडर्स तलाश किए। इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months उसने 2 से 3 वेंडर्स शॉर्टलिस्ट कर लिया, उनसे मीटिंग्स की, उनके साथ ना अपना एक उसने डॉक्यूमेंट साइन कर लिया कि ठीक है, आप मुझे ये API प्रोवाइड करेंगे और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एंड आई विल गेट यू द सेल्स। ये कर लिया विथ, अच्छा, ये पूरा जो इस क्लाइंट ने काम किया है ना विद अ फुल टाइम जॉब किया है। उसका ये कोर बिजनेस माइंडसेट नहीं है, वो खुद एक 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी है। उसने साइड हसल के तौर पर इसको स्टार्ट किया। तो उसने वेंडर्स शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब उसके बाद उसने टेक्निकल एंड पे गया और ख़ुद से चीज़ें सीखना शुरू की। ऐसे नहीं कि बस स्पेशलिस्ट पकड़ा और चल मेरा भाई चलते का नाम गाड़ी या नहीं, उसने टाइम इन्वेस्ट किया, फिर 1 महीना इन्वेस्ट किया और चीज़ें सीखी कि कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसने वर्डप्रेस के ऊपर वूकॉमर्स की वेबसाइट इस्टेब्लिश की और उसमें उसने अपने वेंडर्स की API कनेक्ट करवाई डेवलपर से। अच्छा, वो सारे टेक्निकल एंड्स को समझता था, खुद करता नहीं था, मसाइल को समझता था, कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता था। अगर हम भी ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस मैं उनको जो उसको जो चीज़ें समझाता था वो उनको समझता था, पलट के सवाल करता था और मसाइल का हल तलाश करने में वो ही मदद करता था। तो इस तरीके से हमने पूरा स्टोर डेवलप करा लिया। अब सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे थी, मतलब वेंडर की API से प्रोडक्ट फैच होते थे, इन्वेंट्री अपडेट होती रहती थी, नए प्रोडक्ट फीचर्ड लिस्टिंग में आते रहते थे और हमारे पास एक फुली फ्लेज्ड ई कॉमर्स स्टोर बन के तैयार हो गया। अब ये तो डेवलपमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसमें चीज़ें बिकेंगी कैसे, सेल नहीं आएगी तो ई कॉमर्स स्टोर का भला फ़ायदा क्या। उसके लिए उसने बेहतरीन स्ट्रेटजी निकाली। उसने सबसे पहले टेस्टिंग करवाना शुरू की। तो फर्स्ट वी वेंट टू गूगल एड्स और गूगल एड्स पे हमने देखा कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें इतना मार्जिन मिल जाए कि हम गूगल CPC पे अगर बिड भी करें और गूगल पेपर क्लिक की कैंपेन्स इस पर चलाएँ तो हमारे बजट में भी आए, हमारे पास सेल्स भी जनरेट हों। तो हमने ये करना शुरू किया, हमने प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ टेस्ट आउट किया। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, इस रेंज से इस रेंज तक के प्रोडक्ट्स को हमने इस PPC मार्केटिंग में यूटिलाइज़ करना है और जो लोअर एंड के प्रोडक्ट्स हैं उनको गूगल पे बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके CPC के बाद कॉस्ट लगाने के बाद हमें कुछ ना कुछ अपना मार्जिन भी तो चाहिए ना। देन फिर हम मूव कर गए फेसबुक एड्स की तरफ। फेसबुक पे हमने एड्स रन किए, कन्वर्जन एड्स, कैटलॉग एड्स, उसके अलावा अलग से क्राउजल एड्स रन किए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए। हमने मुख्तलिफ कैंपेन्स बनाई जिसमें हमने किचन एसेसरीज़ की एक क्राउजल की कंप्लीट कैंपेन रन की। देन कैटलॉग एड्स ऑटोमेशन पे चल रहे थे, कन्वर्जन एड्स ऑटोमेशन पे चल रहे थे, उसको हम मॉनिटर करते थे, टेस्ट आउट करते थे और हमने एक साइकिल डेवलप कर ली आफ्टर 2 to 3 months। अच्छा, फॉर 3 months मार्केटिंग के अंदर मैंने देखा कि गोरे का दिल बड़ा था कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी, कंटिन्यूसली उसने ब्लीडिंग को बर्दाश्त किया। ब्लीडिंग से मुराद क्या है कि उसका मार्केटिंग के ऊपर पैसा तो लग रहा था लेकिन उसका जितना पैसा लग रहा था उतनी सेल भी नहीं आ रही थी, तो मतलब उसका नुकसान हो रहा था। उसने 3 मंथ लॉस में चलाया,
बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ एंड स्टार्ट ऑफ थर्ड मंथ उसकी ना ब्लीडिंग कॉस्ट खत्म हो चुकी थी. अब वो समवॉट ब्रेक इवन पे था, अब वो ब्रीदिंग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था. जब तक हम फोर्थ मंथ पे पहुंचे हम प्रॉफिट्स में आना शुरू हो गए, और इतने ही टाइम में हम साथ साथ उसके स्टोर की SEO भी करते जा रहे थे, उसके स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते जा रहे थे. एंड दिस इज़ हाउ वी कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रोसेस. बहुत जगहों पे बग्स आए, बहुत जगहों पे मसले आए, प्रॉब्लम आती थी, वो हमारे साथ कंटिन्यूसली लगा रहता था कॉल पे, और हम भी लगे रहते थे कि अच्छा लेट्स फिक्स इट आउट. उसने पैसा खर्च करने में भी कंजूसी नहीं की, उसने प्रॉब्लम का हल निकालने में किसी किस्म की देर नहीं की. ये मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया. दिल बड़ा था ना, खुद दिल खोल के बिजनेस किया, छोटे दिल का आदमी नहीं था. और इस तरीके से हम उसके प्रॉफिट्स में आ गए. अब वो प्रॉफिट्स में किस तरीके से आए, जब हम आ गए तो ना हमें यकीन आ रहा था कि अच्छा हम न्यूबी होते हुए भी इस हद तक का काम कर सकते हैं कि इतने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर एक स्टोर को लेके आ सकते हैं, इस तरीके से स्किल सेट यूटिलाइज करना. और उसको खुद भी इतना अंदाजा नहीं था क्योंकि उसका पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने कहीं क्विट नहीं किया. उसने ये नहीं देखा कि यार मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, रिटर्न कब आएगा, क्या आएगा. वो बस प्रॉब्लम सॉल्व करता था और आगे के चीज़ों को ना एग्जीक्यूट करता रहता था. उसने ओवर द ईयर जो साइकिल बना के रखी हुई थी ना उसको एग्जीक्यूट किया. आफ्टर अ ईयर उसका स्टोर अच्छी इनकम जनरेट करने लग गया. अब हमें इतनी टीम मेंबर्स की ज़रूरत नहीं थी. अब हमने उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया, कॉस्ट कटिंग पे काम किया. अब हम 2 से 3 लोग उस स्टोर को मैनेज आउट कर रहे थे. उसकी सोशल मीडिया, गूगल कैंपेन्स एंड स्टोर मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर रहे थे. और मज़े की बात, क्योंकि ये ड्रॉपशिपिंग मॉडल था तो हम API से प्रोडक्ट्स तो फैच करते थे ना, प्रोडक्ट को हमें सेल करना है ना, प्रोडक्ट को हमें शिप करना है ना कुछ. वाइट लेबलिंग हुई भी थी तो मतलब जो उसका वेंडर था वही प्रोडक्ट पैक करके भेजता था, क्योंकि उसकी हमारी स्टोर से ऑर्डर उसकी डैशबोर्ड पे जाता था, वो पैक करके शिप करता था. हमें सिर्फ क्या काम करना था, टोटल मार्केटिंग करनी है, सेल लेके आनी है, स्टोर को मॉनिटर करके मैनेज करके रखना है, एंड मेक श्योर करना है कि कोई मसला ना हो. बस इतना काम था. आफ्टर 1.5 ईयर रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले उसने उस स्टोर को बेचा अपनी ही कंट्री के अंदर एक अपने ही जानने वाले को, और उसने 1 करोड़ की इवैल्यूएशन लगवाई प्रीवियस मंथ की, एक सारा डेटा क्लेम करके, प्रीवियस मंथ की सारी अर्निंग्स क्लेम करके उसने 1 करोड़ की इवैल्यूएशन लगवाई, और उस बंदे ने सेल कर दिया. अब वो नए प्रोजेक्ट से इधर मूव कर रहा है. अब उसके पास एक दफ़ा एक झटके में पैसा आ गया ना, तो अब वो नए प्रोजेक्ट से ऊपर मूव कर सकता है. इस पूरी स्टोरी से सीखा क्या कि वन के बीच में अगर हर्डल्स भी आ रहे हैं तो बंदा एग्जीक्यूट करता रहा, रुका नहीं. 2, जब ब्लीडिंग कॉस्ट के अंदर ब्लीडिंग आ रही थी तो उसने रोना धोना शुरू नहीं कर दिया, प्रोजेक्ट बंद नहीं कर दिया, बल्कि उस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की. हमें भी इनकरेज किया, अगर हमसे भी कोई गलती होती थी ही इनकरेज अस कि नहीं, आई बिलीव इन यू, डू दिस, लेट्स डू इट, हो जाएगा, कोई मसले का हल निकालो. काफ़ी काम ऐसे थे थ्रू आउट द प्रोसेस के डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने थियोरेटिकल पढ़ी भी थी, लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया था, इम्प्लीमेंट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. तो उसने बोला नो, आप इम्प्लीमेंट करो, मैं अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, कॉस्ट वगैरह सारी मेरी जिम्मेदारी है, तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम रिजल्ट लाने की कोशिश करो, यू शुड ट्राई योर बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो इस तरीके से उसने पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जिससे हमें बहुत सीखने को भी मिला कि अच्छा इस तरीके से मार्केटिंग कैंपेन चलाने में बेनिफिट होता है, इस तरीके से कॉस्ट कट होती है. एंड थर्ड इज कि जैसे ही उसका स्टोर अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया, ये नहीं कि वो उसको दिल से लगा के बैठ गया, उसने बोला ठीक है अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया, सही जा रहा है, उसने बेचा, उसने एक साथ पैसे पकड़े, अब वो नए प्रोजेक्ट्स में मूव कर रहा है. अब उसके पास इतने पैसे एक साथ आ गए, वो एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा, 4 प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा, और उसमें से जाहिर है अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा, अपनी कॉस्ट निकालेगा. इस तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया. तो घूरा या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ई कॉमर्स स्टोर ऐसे बन रहे हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग को लोग ऐसे लेके चल रहे हैं. यहाँ पे उसी को अगर मैं कंपेयर करूँ ना किसी पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करने में ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर, तो 1 करोड़ की वैल्यूएशन तो छोड़ो, ब्लीडिंग स्टेज के अंदर ही क्लाइंट इस कदर परेशान हो जाएगा, इस कदर टेंशन लेने भी लगेगा और टेंशन देने भी लगेगा कि आगे चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. और वो आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ 3rd या 4th मंथ ना वो दिल पे हाथ रख के प्रोजेक्ट बंद करके बैठ जाता, लेकिन इस बंदे ने बंद नहीं किया. इसने एग्जीक्यूट किया, इसने मसले का हल तलाश किया, इसने अपने प्लान के अंदर पिविट किया, चेंजेस लेके आया, अब नई स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, नए प्लेटफॉर्म्स की तरफ गया मार्केटिंग के अंदर. यही वजह थी कि ये सक्सीड कर गया. तो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद क्या है, शेयर करने का मकसद ये है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट से सीखना है, उसके लेवल पे जाके कम्पीट करना है, हमें समझना है कि बाहर लोग कैसे काम कर रहे हैं और हमें क्या करना है. क्या हम हमेशा सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले हैं, या हम क्या हम हमेशा दूसरे का सक्सेस देखने वाले हैं, हम अपने स्टोर्स क्यों नहीं खोल सकते.
बिल्कुल खोल सकते हैं, हम अपनी चीज़ें क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम सीखेंगे, समझेंगे और आगे करेंगे, और यही इस चैनल का मकसद है, सीख के, दूसरे से सीख के अपने लोगों को सिखाना और आगे लेके चलना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।